हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इन दिस वीडियो वी डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 12 ट्रायंगल ऑफ क्लास 6 एंड इट्स वर्कशीट नंबर टू क्वेश्चन नंबर 4। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग फिगर एंड नेम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ये फिगर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए आपको एक ये फिगर दी हुई है, आपकी बुक में भी एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। अब इस फिगर को देखकर आपको यहाँ पर ये ए बी और सी, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं कि क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले है ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पर आपकी ट्राइंगल बनती हैं, आपको उनके नेम बताने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आपको ध्यान से करना है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखें कि मैं यहाँ पर देखो आपको ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपको फेयर नोटबुक पे ऐसे नहीं लिखना है, ये सिंपली आपको समझ अच्छे से आ जाए इस वजह से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैं ये जो ये ऊपर ये ट्राइंगल है इसको मैं 1 कह रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं 2 कह रही हूँ, इस वाली ट्राइंगल को मैं 3rd नंबर कह रही हूँ, इस वाली ट्राइंगल को मैं 4th नंबर कह रही हूँ, ठीक है। जिससे मीन्स आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो 1 ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली, इसका नेम लिख रही हूँ। तो ये क्या आएगा, ओ से सेंटर से शुरू कर लेते हैं, से ओ ए बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नीचे का सारा ही छुपा दूँ तो आपको ऊपर एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी जिसका नेम आएगा ओ, ये वाला पॉइंट ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ से 1 ट्राइंगल को लिख रहे हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट होती है ओ से, फिर ए पे गई है, फिर बी पे गई और बी से वापस ओ। हम देखो मैं किस रास्ते से जा रही हूँ, ओ ए बी और वापस ओ, लेकिन दोबारा ओ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ट्राइंगल होगी ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं जो सेकंड है वो लिख रही हूँ, ठीक है, ओ बी सी, ओ बी सी। नेक्स्ट है 3rd वाली लिख रही हूँ, ओ सी डी, ओ सी डी, ठीक है। उसके बाद मैं 4th ट्राइंगल ये जो इसको लिख रही हूँ, ओ डी से ए पर जाना चाहो ऐसे चले जाओ या उल्टा जाओ, ओ ए डी, ओ ए डी, ठीक है। 4 ट्राइंगल तो आपके यहाँ पर बन चुकी हैं ये, ठीक है, 4 ट्राइंगल तो बन गए। अब मैं आपको ये बताती हूँ, अगर मैं 1 और 2, ये जो 1 और 2 हैं इनमें से मैं बीच वाला, अगर मैं ये बीच वाला पार्ट मैं यहाँ पेंसिल मैंने यहाँ पर इस पर हाथ रख लिया, तो ये जो ये पूरी कंप्लीट है ये भी तो एक ट्राइंगल है। मीन्स आपका प्लॉट, आपका ये प्लॉट था, ठीक है, और आपके आपके जो फादर के फ्रेंड है उनका ये था, आपके फादर ने ये दोनों प्लॉट खरीद लिए इकट्ठे, तो एक बड़ा प्लॉट नहीं बन गया, ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ए से स्टार्ट हुए, इसको छुपा देती हूँ, चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से इसको छुपा देती हूँ, तो ए बी सी वापिस ए पर चले जाएंगे, लेकिन नेम क्या लिखा जाएगा, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये मैंने 1 और 2 को जोड़ दिया था, अब मैं ऐसा करती हूँ इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ये भी तो एक ट्राइंगल बन रही है, इसका नेम क्या आएगा, बी सी डी, वापस बी पर चले जाते हैं लेकिन ट्राइंगल का नेम तो यही होगा बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। नेक्स्ट है, अब पहले 1 और 2 को जोड़ा था, अब 2 और 3 को, अब 3 और 4, ऊपर वाले ये सारा छुपा दो, ठीक है, तो नीचे भी एक ट्राइंगल ये बड़े वाली नज़र आ रही है सी डी ए, ये वाला ट्राइंगल सी डी ए, वापिस सी डी ए सी बनता, लेकिन सी दोबारा लिखा नहीं जाता, सी डी ए सी डी ए। और लास्ट है जब हम 4 और 1 को जोड़ दें, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 3 को, 3 और 4 को, 4 और 1 को, ठीक है, ये ऊपर ऐसे, तो इसका नेम क्या लिखोगे, ठीक है, इसका नेम आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ए बी डी लिख दो, ठीक है, डी ए बी लिख सकते हो, बी डी ए लिख सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से शुरू और वापस वहीं पहुंच जाओ, ए बी
डी वापिस ए, ठीक है। तो दो लास्ट वाला ए नहीं लिखा जाएगा, ए बी डी, ठीक है। तो आपकी कितनी ट्राइंगल बन गई है यहाँ पर, एट ट्राइंगल्स। एक इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें आपको अगर आप पीछे आंसर मैच करोगे, एक तो ये आपको आगे पीछे लिखे हुए मिलेंगे, और एक ये होगा जैसे मान लो ए बी डी है तो वो आपको डी बी ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, बी डी ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हमारे आंसर कुछ और आ रहे हैं, आंसर वो सेम है। एक ट्रायंगल का नेम तीन तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका आगे पीछे हो जाए तो उसे कोई फैक्ट नहीं है। बी पार्ट है, द ट्रायंगल विच हैव द पॉइंट पी इन इट्स एक्सटीरियर। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, द ट्रायंगल, वो वाली ट्रायंगल्स लिखो जिसमें द ट्रायंगल विच हैव द पॉइंट पी इन इट्स एक्सटीरियर, उससे बाहर हो, ठीक है। मींस ये जो पॉइंट पी है वो आपकी ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मींस जैसे मान लो ये पी, ये जो पी पॉइंट है, आप बस ये आपका फ्रेंड नहीं है, आपको इसके पास नहीं जाना, और कोई सी भी ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो आप अगर सेकंड नंबर की ट्रायंगल लेते हो उसमें भी पी नहीं आ रहा है, थर्ड नंबर की ट्रायंगल लेते हो उसमें भी पी नहीं आ रहा है, फोर्थ नंबर की ट्रायंगल लेते हो उसमें भी पी नहीं आया। तो पहले तो यही लिखो, मैं पहले सेकंड वाली लिख रही हूँ, सेकंड का नेम क्या है, ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। नेक्स्ट अब मैं थर्ड नंबर वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, इसमें भी पी पॉइंट नहीं आ रहा है, ओ सी डी। अब मैं फोर्थ नंबर वाली ले रही हूँ, इसमें भी पी पॉइंट नहीं है, बाहर है उसे, ओ डी ए लिख लो या ओ ए डी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ओ डी, ऐसे लिख लो, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए से कर लो या ओ से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब टू थ्री और फोर तो मैंने लिख दिए हैं, अब इसके बाद देखो आपको ये नहीं लेना, बस ये ऊपर वाली ट्रायंगल नहीं आनी है, ठीक है, और कोई सी भी आ सकती है। अब आप ये देखो, अगर मैं कहूँ ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है, मान लो इसको तो मैंने छुपा ही दिया, ये जो पूरी ट्रायंगल आ रही है नीचे, ये यहाँ जहाँ मेरी फिंगर आई वाली, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है पूरी, क्या इसमें पी पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। मीन्स नीचे वाले ट्रायंगल भी आप ले सकते हो, और उसका क्या नेम है, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब ये इन दो को बोला था, अब की बार इसको छुपा देती हूँ, अगर आप ये वाली पूरी बड़ी ट्रायंगल लोगे इसमें भी पी नहीं आ रहा है, मीन्स ये बी सी डी, ठीक है, ये आपका हो गया है बी पार्ट, 1 2 3 4 5 पांच आंसर आए इसके। नेक्स्ट है सी पार्ट, द ट्रायंगल्स विच हैव द पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, ये गलत लिखा गया था, द ट्रायंगल विच हैव द पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। अब देखो पहले तो बोला था कि एक्सटीरियर बाहर होना चाहिए, अब की बार बोल रहा है इंटीरियर, मतलब ट्रायंगल, ये जो पी पॉइंट है उस ट्रायंगल में आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब एक तो ये जो वन नंबर की ट्रायंगल है इसमें पी पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका नेम लिख दो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अगर मैं नीचे वाली ये ट्रायंगल मैंने छुपा दी है, ठीक है, ये जो आपको ऊपर बड़ी ट्रायंगल दिख रही है इसमें पी पॉइंट है ना, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, और इसका नेम क्या आएगा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। और अब की बार पहले ये छुपाया था, अब की बार अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से छुपा दूँ तो ये जो ऊपर ट्रायंगल आपको नजर आ रही है इसमें पी पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।